अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू अनाजा वीडियो। आज की जो वीडियो है वो ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज बहुत अच्छे और बहुत लाइक ज़बरदस्त वाली फेस वॉश के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, मेरी अपनी जो स्किन है वो ड्राई स्किन है, शदीद वाली ड्राई स्किन, और मेरी जो मामा है उनकी भी शदीद वाली ड्राई स्किन है। तो मुझे हम दोनों के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए था जो हम दोनों यूज़ कर सकें और हमें एक अच्छी सी हाइड्रेशन, ग्लो सब कुछ मिले उस एक चीज़ में। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ किए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी, तो उनमें से जो सबसे मुझे अच्छा लगा वो ये है जी, को नेचुरल का हाइड्रेटिंग एलोवेरा फेस वॉश। ठीक है, सबसे मज़े की बात आपको पता है जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनके लिए एलोवेरा इज़ गनीमत। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखती है, स्मूथ भी रखती है। ठीक है, और इसके अंदर हेलोरॉनिक एसिड भी मौजूद है और ये पैराबिन और सल्फेट से फ्री है। तो मतलब आपकी स्किन पे कोई ज़्यादा हार्श या ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है जो आपकी स्किन को अफेक्ट करे। ठीक है, और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मेरी स्किन को इसने काफ़ी ज़्यादा। आप एक दफ़ा यूज़ करो, आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटेड और फ्रेश फील करती है, मेरे ग्लोस आपके चेहरे पर बड़ा अच्छा आ जाता है। जो सुबह उठते ही जो फर्स्ट चीज़ आप यूज़ करो उसमें ही आपको कुछ अच्छा खास ना मिले तो आपका पूरा दिन एवं ही आपकी स्किन के साथ गुजर जाता है। तो हाइड्रेशन और ग्लो आपके लिए बहुत ज़रूरी है पहली चीज़ में जो आप सुबह सुबह यूज़ करो। तो मुझे जो ज़रूरत था वो मुझे मिल गया है, और मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगी अगर आपकी ड्राई स्किन है आप इसे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई देना। इसकी जो प्राइस है 800 समथिंग है, ये मैंने इम्तियाज़ से लिया, और ऑनलाइन इसकी 1100 कुछ प्राइस चल रही है, आई डोंट नो। अच्छा, अब इसके बात करते हैं टेक्सचर की। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ठीक है, और ये अभी आप देखिएगा और अच्छा खासा निकल आया था, और मैं खुद हैरान थी कि ये अच्छा खासा मेरे हाथ पर निकल आया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, आप देख लो कितना स्मूथ सा है। और ये आप देखना, आप मैं अभी हैंड वॉश करूँगी तो इतना ये स्मूथ मेरे हाथ पे स्मूथनेस ही आ जाती है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं भी कहूँगी मेरे कहने पे एक दफ़ा आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, एक मौका तो बनता है। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपकी कोई अपनी रिकमेंडेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।